हलवा रेडी हो चुका है यहाँ पर, साथ में बने हैं काशीफल की सब्जी, उसके साथ हैं काले छोले, उसके साथ थोड़े से आलू भी बने हैं। देसी घी गैस पे चढ़ चुका है, पापा मम्मी ने जोत का दिया जला दिया है और अब हमारी पूजा स्टार्ट हो गई है। सो हाय गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड वेलकम बैक टू पलक्स व्लॉग। सो आज है दुर्गा अष्टमी, हम लोगों के यहाँ दुर्गा अष्टमी होती है, सो हम उसी को सेलिब्रेट करने वाले हैं। यहाँ पर पूड़ियाँ मैं बेल रही हूँ और मम्मी जल्दी जल्दी इनको तलती जा रही हैं एंड फाइनली हमारे प्रसाद की थाली रेडी हो चुकी है। कीवी और नायरा भी रेडी हैं, हमारी घर की दो प्यारी प्यारी कंजकें। नायरा सुबह सुबह अपनी बुआ के घर कंजकों के लिए गई थी एंड फाइनली हमारे घर पर प्यारी प्यारी कंजकें आ चुकी हैं। मैंने जल्दी से उनके पैर धुलवा दिए हैं, मम्मी ने सबको टिक्का करा और मैंने सबको मूली बांधी। उसके बाद हमने अपनी कंजकों को प्रसाद दिया, उनसे जयकारे लगवाए और अपनी कंजकें बहुत अच्छे से हमने संपन्न करी। फाइनली हमने बच्चों को प्रसाद बांट दिया है और बच्चों को प्रसाद से ज़्यादा उनको क्या गिफ्ट मिलने वाला है उसकी, और जो पैसे मिलने वाले होते हैं उसकी ज़्यादा खुशी होती है, ज़्यादा क्रेजीनेस होती है। सो फाइनली इसी के साथ हमारी दुर्गा अष्टमी संपन्न हुई, हमने सब अच्छे से कर लिया, मेरे सारे व्रत अच्छे से संपन्न हो गए और सब कुछ खुशी खुशी पूरा हो गया। तो यहाँ हो चुकी है हमारी पैकिंग फिर से और आज हम जाने वाले हैं नायरा की नानी के घर, मेरी मम्मी के घर और अंकित के ससुराल। हाँ जी, तो मैं जा रही हूँ मायके और मैं अंकित के साथ मायके ऑलमोस्ट 3-3.5 साल के बाद जा रही हूँ। वैसे तो मैं भी 7-8 मंथ्स पहले ही अपने फ्रेंड की शादी में होकर आई थी। फाइनली नायरा ने दादी को कर दिया है बाय बाय और आप लोग सोच रहे होंगे कि नायरा ने बाइक करते टाइम कुछ और पहना था एंड अभी उसके कपड़े चेंज हो गए हैं। सो द थिंग इज़ कि नायरा ने कार में बैठते ही पॉटी कर ली थी, तो मैंने उसके कपड़े भी चेंज करवा दिए निकलने से पहले। मुझे रास्ते बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मुझे ट्रैवलिंग पर्सनली बहुत पसंद है। ये गंगा नदी आ गई थी, गंगा रिवर आ गई है, हमने उसको क्रॉस करा। यहाँ से मेरे घर का डिस्टेंस ऑलमोस्ट हाफ रह जाता है और देखिए कितना अच्छा सीन है, ये कितना अच्छा नेचर है। यहाँ सारे ट्रीज़ आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है मानो एक दूसरे को हग कर रहे हों। और इस ट्रैवल में हमारे साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडीज़ भी हुई, जैसे कि सबसे पहले तो हम लोग रास्ता भूल गए थे, फिर नायरा ने अमरोहा पहुँचने से 2 घंटा पहले अप्रॉक्स मेरे ऊपर वॉमिट कर दी थी, बट जैसे तैसे फाइनली हम घर पहुंच गए और ये घर के अंदर एंटर भी कर लिया। अब मैं जल्दी से नहा लेती हूँ और देखिए नायरा की तो लॉटरी लग गई है, एंटर होते ही घर में नानी ने इसको दे दी है जेम्स। फिर हम लोग गए नहा धोकर कुछ स्नैक्स खाने के बाद घूमने के लिए। सो सबसे पहले हम गए अमरोहा की रामलीला देखने के लिए। हाँ जी, इन सब चीज़ों के साथ मेरी बहुत ज़्यादा बचपन की यादें जुड़ी हैं, वो पापा के साथ रामलीला पे मेला घूमना, झूले झूलना और चीज़ें खरीदना छोटी छोटी। सो फाइनली नायरा ने यहाँ पर बहुत सारे झूले झूले, मैंने मेले को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करा और मैंने अपनी एक एक बचपन की याद को बहुत ही अच्छे से जिया, मुझे तो बहुत ही मज़ा आया।
नायरा जब तक झूले झूल रही थी, अंकित ने भी मौके का फ़ायदा उठाया और बोला कि मैं भी थोड़ी सी शूटिंग करता हूँ और थोड़ा सा इस मेले को एंजॉय करता हूँ। सो फाइनली अंकित ने उठाई गन और करी शूटिंग। सो मैं भी कैसे पीछे रह सकती हूँ, मैंने कहा मैं भी थोड़ी सी शूटिंग ट्राई करती हूँ। मेले से निकलते निकलते नायरा ने लास्ट एक झूला झूला, फिर मैं गई अपनी भाई की शॉप पर जिसका नाम है खंडूजा टेलीकॉम। यहाँ मोबाइल एसेसरीज एंड मोबाइल से रिलेटेड सभी सामान मिलता है। नायरा ने तो यहाँ जाकर अपनी कुर्सी ले ली थी और यहाँ पर नारायण हमारी शॉप का एक लड़का है जो कि नायरा को बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, बहुत पसंद करता है। उसने नायरा के आगे सारे मोबाइल्स खोल दिए कि ले तेरे को क्या लेना है, कौन सा लेना है। एंड नायरा बहुत अच्छे से समझ गई थी कि ये मोबाइल्स नहीं है, ये जस्ट डमीज हैं। तो उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, ले जाओ यहाँ से। एंड देखिए वो मामा के साथ अपने कैसे एंजॉय कर रही है, उसको शॉप पे जाना बहुत ही अच्छा लगता है। फिर हम घर आ गए, घर आकर इन दोनों की पता नहीं क्या ही बातें चल रही थी जो चलती ही रही। फाइनली हम लोग निकले डिनर के लिए। आज हम डिनर बाहर करने वाले थे और नायरा अपनी नानी के साथ उनकी फिंगर पकड़ के बाहर कार तक आई। अमरोहा में बहुत ही ज़्यादा ठंड थी हमारे आगरा के कंपैरेटिव, क्योंकि वहाँ नैनीताल आसपास है। मगर हम गर्मियों के कपड़े ले गए थे तो फिर हमें वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आई, बट कोई बात नहीं, हम दो दिन के लिए गए थे तो इतना तो चलता है। डिनर से पहले नायरा यहाँ लॉबी एरिया एंजॉय कर रही थी क्योंकि अमरोहा के दामाद जी यहाँ मसाज चेयर पर करवा रहे थे बॉडी मसाज। तो ये जो होटल है इसकी साइड से बॉडी मसाज अगर आपको करवानी है तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट कॉम्प्लीमेंट्री है। तो जहाँ पे मसाज हो रही हो वहाँ अंकित ना हो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। उसके बाद नायरा को आज ना जाने कौन सा ही मतलब क्या ही हुआ था, मैं क्या कहूँ, कि उसने मेरा फ़ोन मुझसे छीना और बोला पापा आप स्माइल करो, मैं आपकी वीडियोस बनाती हूँ, मैं आपके फ़ोटोज़ क्लिक करती हूँ। इसने आज से पहले ना कभी फ़ोन उठाया है, मतलब उठाया तो है बट ऐसे कैमरा ओपन करके ऐसे अलग अलग एंगल से कह के कभी भी फ़ोटोज़ क्लिक नहीं करे। मेरे को तो ऐसा लग रहा था जैसे वो कह रही हो मम्मा आप छोड़ो आज मैं बनाती हूँ व्लॉग और मैं खींचती हूँ पापा की फ़ोटोज़ अच्छी अच्छी। सो मुझे तो ये देखकर बहुत ही हंसी भी आई और बहुत ही ज़्यादा मज़ा भी आया, मैंने बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय करा ये मोमेंट। फिर हम डिनर करके घर पहुंच गए, बहुत ज्यादा थके हुए थे तो सो गए थे। The next day. सुनो सारे इधर जोर से बोलो, सारे बोलो, मिलके बोलो जयकारा शेरा वाली दा, बोलो सच्चे दरबार की। मेरी मम्मी के यहाँ नवमी होती है तो यहाँ पर हमने राव नवमी भी इस बार एंजॉय कर ली और बहुत ही ज्यादा मजा भी करा। फिर हमारे ऊपर रेंट पर एक फैमिली रहती है जिनके बच्चे नायरा के साथ नीचे प्ले करने के लिए आ जाते हैं और नायरा की तो जैसे लॉटरी ही लग जाती है। नायरा इन दोनों बच्चों के साथ बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करती है, बहुत ही ज़्यादा प्ले करती है। एंड ट्रस्ट मी जब मैं वहाँ जाती हूँ तो मुझे नायरा को कुछ खिलाने की ज़रूरत भी नहीं होती क्योंकि वो इन दोनों बच्चों के हाथ से ही खाना खाती है और इन दोनों बच्चों के साथ ही अपना 90% ऑफ द टाइम स्पेंड करती है। इनके साथ ही खेलती है, हंसती है, बोलती है, लड़ती है, झगड़ती है और इवन लंच डिनर ब्रेकफास्ट सब इन्हीं के साथ करती है। तो मेरे को तो घर जाके इतना रिलैक्सिंग हो जाता है कि अब कुछ मत पूछो। आप देख सकते हो ये दोनों बच्चे अपने सारे टॉयज उठा उठा के
ऊपर से नीचे ला रहे थे नायरा के लिए कि वो आराम से इसके टॉयज के साथ खेल ले, और वो भी इनके टॉयज के साथ बहुत ही ज़्यादा मस्ती कर रही थी, और साथ साथ आप देख सकते हो बच्चा नायरा को खाना भी खिला रहा है। फाइनली अंकित आए, अंकित सो रहे थे, थोड़ी देर उठ के वो नायरा के साथ छुपन छुपाई खेलने लगे, और नायरा अपने पापा के साथ बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करने लगी। तो इन दोनों के साथ कब यहाँ 2 दिन निकल गए मुझे पता ही नहीं चला। पहली बार ऐसा हुआ शादी के बाद कि मैं सिर्फ 2 दिन के लिए घर आई हूँ। Later that same evening. So, शाम को मेरे सारे फ्रेंड्स घर आए थे डिनर के लिए, और ये उन्हीं की दोनों की बेटियाँ हैं प्यारी प्यारी, ये हैं मेरे सारे फ्रेंड्स। मैंने बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय करा इन लोगों के साथ, एंड अब तो ऑलमोस्ट सबकी शादियाँ भी हो गई हैं एंड बच्चे भी हो गए हैं। फाइनली डिनर के बाद ये लोग वापस जा रहे थे, तो मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा था, बट ठीक है मैं 1 दिन के लिए आई, 2 दिन के लिए आई, इनसे मिली इतना ही काफ़ी था। हम फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे, अब नितिन की शादी होनी रह गई, होपफुली उसकी शादी में मिलेंगे। तब तक गुड बाय माय डियर फ्रेंड्स, सी यू सून। ये कुछ ग्रुप फोटोज़ हैं जो मैंने मेरे फ्रेंड्स के साथ निकाली थी, जिसमें ऑलमोस्ट सभी की वाइफ और बच्चे कवर है, बस नायरा मिसिंग है और नितिन की वाइफ जो कि अभी आनी बाकी है वो मिसिंग है। हाँ, 1 मिनट, अर्शिता का हस्बैंड भी नहीं आया था तो वो भी यहाँ पे मिसिंग है। फाइनली नायरा थककर डिनर विनर करके सो चुकी है, और अंकित भी सोने लगे हैं, तो मैं भी जल्दी से सो जाती हूँ, क्योंकि अब हमें नेक्स्ट डे घर के लिए भी निकलना है, मतलब कि आगरा वापस जाना है। हम आगरा के लिए निकलने लगे, और मुझे आज पहली बार पता चला कि सच में गुड बाइज बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ ये आप अब देखिए। नानी अभी बैठेगी। क्या हो गया बेटा? नानी के बैठे हैं? क्या हो गया बोल? नानी के लिए रो रही है नन्नी, याद आ रही है? अच्छा क्यों रो रही है ये तो बता दे। कहाँ जाना है? मैं जब भी मायके से वापस आती हूँ तो मेरी मम्मी बहुत ही ज्यादा रोती है, क्योंकि वो नायरा से इतना ज्यादा अटैच्ड है कि वो जब भी जाती है तो बहुत रोती है। इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि नायरा इतना ज़्यादा रोई है कि मेरे को नानी के पास से नहीं जाना। फाइनली जब वो सोई तब जाके थोड़ा सा रिलैक्स फील करा हमने, और अब देखिए कैसे स्वैग वाली ट्रैवल कर रही है पैर ऊपर रख के, और हम फाइनली आगरा पहुंच गए थे। Later that same evening. इतना ट्रैवल करने के बाद भी अब अभी हम थके नहीं हैं, आज है दशहरा। सो हम गए थे आगरा कैंट अपनी बड़ी मम्मा के घर, वहाँ जाके हमने दशहरे का मेला भी एंजॉय करा और बहुत सारी मस्ती भी करी, बहुत सारी गॉसिप्स भी करी। यहाँ पे भी सारे कजिन्स आए हुए थे, और जब हम सब इकट्ठे होते हैं तो मुझे बहुत ही मज़ा आता है। सो फाइनली अब हम जा रहे हैं घर, और इतना सब करने के बाद बहुत ज़्यादा थक गए हैं, जाके सो जाते हैं। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय, मैं ऐसे ही मिलती रहूँगी आपको नए नए व्लॉग्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। बाय बाय।